जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए रेक्टिफायर के बारे में, रेक्टिफिकेशन के बारे में, और उसका फिर हम लोगों ने जो दो टाइप्स होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें फर्स्ट जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका हमने इवन थ्योरी पोर्शन कर लिए थे, मैथमेटिकल पोर्शन इवन कम्प्लीट कर लिए थे। मैथमेटिकल पोर्शन में हमने तीन उसके पॉइंट्स कर लिए थे, उसके बाद मैं रिकॉल कर दूँ बहुत फास्ट। और फिर जो बाकी जो तीन टॉपिक रह गए थे उसके हाफ वेव रेक्टिफायर के मैथमेटिकल टास्क के, उसको आज कंप्लीट करेंगे। और फिर जो सेकंड टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। कल उसके मैथमेटिकल पोर्शन पे फिर हम फोकस करेंगे, राइट। सो हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए थे दैट इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट दैट वाज आई नॉट अपॉन पाई, और डीसी वोल्टेज की वैल्यू ई नॉट आर एल अपॉन आर एल प्लस आर इंटू पाई, ये फॉर्मुलेशन हम लोगों ने ट्राई किए थे। दूसरी जो फिजिकल पैरामीटर कैलकुलेट किए थे दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट, एंड दैट इज आई नॉट अपॉन टू। इसी तरह से ई आर एम एस भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, ई नॉट आर एल अपॉन आर एल प्लस स्मॉल आर अपॉन इंटू टू, राइट। उसके बाद हम लोगों ने इफिशियंसी कैलकुलेट किए थे, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर दैट वाज 40.6%, राइट। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो दैट इज द टॉपिक इज रिपल फैक्टर, इनवर्स वोल्टेज एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ रेक्टिफायर, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर में आप फाइंड आउट कर सकते हैं ये तीन टर्म है, राइट। आज हम लोगों ने ये डिस्कस करना है और फिर नेक्स्ट टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर के और थ्योरेटिकल पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जो फोर्थ पॉइंट है फुल वेव रेक्टिफायर का, जो फोर्थ पैरामीटर है मैथमेटिकल पैरामीटर, उस रेक्टिफायर का एनालिसिस का पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड अ रिपल फैक्टर। एंड व्हाट इज रिपल फैक्टर, एंड बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। एज यू नो दैट द आउटपुट वोल्टेज और करेंट इज यूनी डायरेक्शनल बट स्टिल इट इज अ पल्सेटिंग। हमने कहा कि जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है इस तरह का आउटपुट आ रहा है, राइट, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, राइट। बट ये देख रहे हैं कि ये पल्सेटिंग है, यहाँ से इंक्रीज हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू इसको हम कह सकते हैं, राइट, और फिर डिक्रीज होने लगा, राइट, फिर जीरो हो गया, फिर यहाँ पर जीरो ही चल रहा है, फिर से इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम वैल्यू गया, फिर डिक्रीज होने लगा। दैट मीन्स कि ये पल्सेटिंग है, यूनिडायरेक्शनल तो है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फ्लो कर रहा है, बट इट्स अ पल्सेटिंग एंड दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं है। सो वट इज बेसिकली रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ पल्सेटिंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन द यूनिडायरेक्शनल आउटपुट वोल्टेज और करेंट। क्या है कि वो मेजर करता है कि कितना उसमें ये जो कंपोनेंट है, जो पल्सेटिंग कंपोनेंट है, इसको अगर मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर दूँ तो ये जो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये पोर्शन को हम कहेंगे ये रिपल फैक्टर है। यानी कि ये मेजर करता है कि उस यूनिडायरेक्शनल, मतलब जो प्योर डीसी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें इनप्योर डीसी कितना है, मतलब एसी कितना है ना, इनप्योर डीसी नहीं, उसमें एसी कितना मिक्स है। तो इन ब्रीफ आप क्या कह सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ प्योरिटी लेवल ऑफ यूनिडायरेक्शनल आउटपुट। क्योंकि हमारा इंटेंशन है डीसी बनाना, क्योंकि कई सारे एप्लायंसेस है जो कि डीसी आउटपुट डीसी पे वर्क करती हैं, राइट। तो डीसी हम इससे जनरेट कर सकते हैं, एसी से कन्वर्ट कर सकते हैं हम रेक्टिफायर यूज करके। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। यहाँ पर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमें आउटपुट दिया है वो मिक्सचर दे दिया और एक तो पल्सेटिंग दे दिया, डिसकंटिन्यूअस भी दे दिया। तो उसमें जो उसका पैरामीटर है कि उसमें यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल है आउटपुट जो कॉन्स्टेंट है, इसमें इसकी कितनी प्योरिटी है, ये प्योर फॉर्म कितना है, दैट इज द रिपल फैक्टर, राइट, ये डिटरमाइन करता है। तो इसको हम अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो गामा इज एसी पल्सेटिंग पार्ट ऑफ द आउटपुट। देखिए आउटपुट में क्या है, ये वेरिएशन है, वेरिंग करंट है, ये एसी का पार्ट हुआ, राइट। इसको इस तरह से बड़े लेवल पे आप समझ सकते हैं कि
हमने इस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये पार्ट तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर दिया इतनी, यहाँ से ये वैल्यू और ये डिक्रीज हो रही है ना, तो ये पल्सेटिंग कंपोनेंट हो गई, ये आउटपुट में हमें आ रहा है, राइट। तो दैट इज द एसी कंपोनेंट यानी पल्सेटिंग पार्ट ऑफ द आउटपुट और डिवाइडेड बाय डीसी पार्ट ऑफ द आउटपुट जो ये कांस्टेंट टर्म है, दैट इज द रिपल्सेंट। तो दोनों की क्या फॉर्मुलेशन हो जाएगा, आई ए सी अपॉन आई डी सी। तो इसका फॉर्मुलेशन हम कैलकुलेट करते हैं, पहले तो आई आर एम एस की आई डी सी की आई एस सी की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ डीसी कंपोनेंट इन द आउटपुट, डीसी कंपोनेंट बहुत ही केयरफुली आप समझिए, डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट इसका स्क्वायर प्लस एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट, डीसी भी कंपोनेंट है उसमें एसी कंपोनेंट है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ राइट। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट में, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई डी सी यानी कि डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस एसी कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और ट्रांसपोज कर दिया हमने, इसकी इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये एसी हो गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, ये ट्रांसपोज होकर के सबट्रैक्ट हो गया, यानी कि आई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये प्रीवियस इक्वेशन है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कौन सा यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आई एस सी की वैल्यू, राइट। तो आई एस सी की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है स्क्वायर रूट में, ये यहाँ पे रूट लग जाएगा, ये आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर स्क्वायर रूट में अपॉन आई डी सी, राइट। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल टर्म्स से तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमने आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट कर रखे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया था समझाने के लिए, देखिए आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, आई नॉट अपॉन टू है, आई नॉट अपॉन टू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट अपॉन टू रखते हैं, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर फोर हो गया, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन फोर, राइट। और आई डी सी की वैल्यू कितनी है, आई डी सी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आई डी सी की वैल्यू हमने आई डी सी की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट किए थे, ये मैंने इसका भी वैल्यू नोट कर रखा है, दैट इज आई नॉट अपॉन फाइव, आई एवरेज और डी सी वैल्यू ऑफ दैट हाफ वेव रेक्टिफायर इज आई नॉट अपॉन फाइव, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रखे हैं हमने, आई नॉट स्क्वायर और पाई स्क्वायर कैसा लग गया, राइट, ये माइनस वन, तो आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वन, पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, 3.1 का स्क्वायर कर लीजिए और फोर से डिवाइड कर दिया वन, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, स्क्वायर रख दीजिए, दैट विल गिव यू 1.21, ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आना, ऐसा नहीं कि आपने बैठ गए और केवल लेक्चर सुन रहे हैं, फिजिक्स ऐसे नहीं समझे, मैथमेटिक्स ऐसे नहीं समझ में आता, उसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते रहो, राइट। इतना मैं रिलैक्स फॉर्म में आपको बताता हूँ कि आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट। मान लो कहीं पास्ट अगर हम डिस्कस भी कर रहे हैं तो उसको आप बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, उतनी स्पेस आप अपने पे रजिस्टर में छोड़ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू आई वो दैट इज 1.21, और गामा का फॉर्मूला क्या था, आई ए सी अपॉन आई डी सी, आई ए सी अपॉन आई डी सी इक्वल टू 1.21, तो यहाँ पर क्या मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा ये रिपल फैक्टर का, देखिए कि जो ए सी कंपोनेंट है दैट इज ग्रेटर देन द डी सी कंपोनेंट, प्रीवियस पेज पे हमने रिप्रेजेंट भी किए थे, देखिए
ये कंपोनेंट है इन वैरिंग करंट, ये एसी कंपोनेंट है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये वैरिंग करंट है, वैरिंग यानी डिक्रीज हो रहा है, तो ये केवल डीसी कंपोनेंट है ये, है ना। इसको आगे चल के हम इसमें फिल्टर यूज करेंगे क्योंकि ये प्योर डीसी नहीं है, है ना। तो फिल्टर यूज करके हम इसको उसमें से इलिमिनेट कर सकते हैं डिफरेंट फिल्टर यूज कर, तो वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो इससे ये पता लगा कि जो एसी कंपोनेंट है, एसी आई एसी दैट इज ग्रेटर देन डीसी कंपोनेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर पल्सेटिंग एसी कंपोनेंट एक्सीड्स द एवरेज वैल्यू। ये क्या है, एवरेज वैल्यू हुआ या फिर डीसी कंपोनेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट, यानी कि एसी कंपोनेंट ज्यादा होता है आउटपुट में डीसी कंपोनेंट से। Therefore, it is a poor device or rectification of AC into DC. यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के को कहीं यूज करना कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज करके AC से DC कन्वर्ट कर लें, ये कोई इंटेलिजेंसी नहीं होगी। उसमें तो एक तो इफिशियंसी उसकी 50% से कम है, 40.6% है, और दूसरी बात कि जो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें DC कंपोनेंट तो ज्यादा है नहीं, एसी कंपोनेंट ही डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज पीक इनवर्स वोल्टेज, जो फिफ्थ जो पॉइंट है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो है पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको हम शॉर्टकट में पीआईवी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन समझिए, व्हाट इज पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज present across the diode during its non-conducting phase. अब आपको मालूम होना चाहिए कि non-conducting phase क्या होता है, second negative reverse voltage में, उस time जो maximum reverse voltage होगी उसको हम क्या कहते हैं, peak inverse voltage कहते हैं। हमें मालूम है कि reverse bias में diode act नहीं करता है, simple diode है, reverse bias में act नहीं करता है, the diodes conduct only in forward bias, क्योंकि हमने इसका principle बताया था half wave rectifier का, even full wave rectifier का भी होगा, तो यानी कि हमने उसको reverse bias कर दिया तो conduct नहीं करेगा। तो it is the maximum reverse voltage present across the diode during its non-conducting phase. Non-conducting phase होगा जब इसको हम reverse bias करेंगे, यानी कि जो हम input ये दे रहे हैं, ये इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिग्नल पे, राइट, प्राइमरी कॉइल पे, तो पॉजिटिव हाफ में कोई कंडक्ट करता है D1 डायोड, जब ये नेगेटिव हो जाता है तो कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वो रिवर्स बायस में हो गया, उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, उधर से कंडक्शन नहीं होगी। तो उस टाइम जो नेगेटिव वोल्टेज डायोड के क्रॉस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम फिक्स पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं, राइट। तो इसका इक्वलाइजेशन भी है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देयरफॉर टू अवॉइड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन भी मालूम है कि डायोड डैमेज ना हो, रेटिंग ऑफ द डायोड मस्ट बी लार्ज इनफ टू विदस्टैंड पीक इनवर्स वोल्टेज। डायोड को डैमेज ना होने से पीक इनवर्स जो वोल्टेज है उसकी रेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इस पे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना, मतलब डायोड को सेफ्टी के लिए उसकी रेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ साइकिल डायोड डज नॉट कंडक्ट एंड होल ऑफ द अप्लाइड नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव यानी इनवर्स वोल्टेज अपीयर अक्रॉस इट। देयरफॉर पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर एन हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ द लाइट नेगेटिव हाफ वोल्टेज दैट इज वी नॉट। जो हमने यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई किया वो उसके इक्विवेलेंट होगा, नेगेटिव इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इनिशियली में क्या था, यहाँ देखिए, रिमेंबर ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग एन आइडियल डायोड ऑफर्स ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस, एक्ट्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर, बट ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग एन आइडियल डायोड एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब भी में कंडक्शन नहीं होगा, hence during this no current will flow through, और जो लोड है उसके क्रॉस, यानी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस
अगर हम आर एल कह देते हैं, प्रीवियस में नोटिस किए हैं आपने, तो उसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इफ पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज माइनस ई नॉट, ए के क्रॉस माइनस ई नॉट हो, देन एज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू आर, पोटेंशियल एट बी विल ऑल्सो बी जीरो। इसमें से करंट ही नहीं फ्लो रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितनी है? जीरो। Therefore, we can say that potential difference between A and B will be कितना होगा? Potential zero minus minus E naught, right? That is equivalent to E naught and that is equivalent to P inverse voltage. यानी कि half wave active rectifier का जो P inverse voltage है, वो E naught के equivalent है, right? ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कभी पूछ सकते हैं। बहुत ही फास्ट हम लोग नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे भी नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करना है। इसको एक बार आप कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा और भी इजी लगना है, राइट? इसी में से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसके टॉपिक में से, राइट? 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, जैसे पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, एवरेज वैल्यू क्या हो गया डीसी का या एसी का, कोई सही पूछ जा सकता है इसमें 5 मार्क्स में से, दोनों क्वेश्चन से कोई सही जा सकता है, राइट? तो जो लास्ट है इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ रेक्टिफायर। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ रेक्टिफायर एक्चुअली मेजर्स इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद द वेरिएशन ऑफ लोड रेजिस्टेंस आर एल। दैट इज, इट इज द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज विद डीसी लोड करेंट, दैट मीन्स आर एल अफेक्ट करेंट, लोड रेजिस्टेंस करेंट को अफेक्ट कर सकता है, राइट? इसको मैथमेटिकली आप इसे लिख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड आउटपुट माइनस फुल लोड आउटपुट अपॉन फुल लोड आउटपुट, राइट? फुल लोड आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि उसके क्रॉस हमने कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है, उसपे हम उस पावर सप्लाई को यूज कर रखे हैं, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तब उसको कह सकते हैं नो लोड आउटपुट, राइट? जिस जो आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, राइट? तो कितने उसमें कंपोनेंट है, मतलब कांस्टेंट कंपोनेंट है, जो यहाँ पर मैं इस तरह से बताऊँ डायग्राम से कि ये जो कंपोनेंट है अब यहाँ पर इसको जूम करके देखा जाए तो ये भी ना कुछ ना कुछ ना ये रेंज थोड़ा सा रहता ही है। ये आगे चल के जब हम क्या कहते हैं फिल्टर्स पढ़ेंगे तो ये रीजन, इसका भी कुछ ना कुछ रीजन रहता है, इसका भी रीजन रहता है, डीसी कंपोनेंट का भी एक रीजन है, पार्टिकुलर रीजन रहेगा, तो उसको आप कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि हम उसको रेगुलेट कर दे रहे हैं पर्टिकुलर वोल्टेज पे, बट उसका एक रेंज है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ रेक्टिफायर एक्चुअली मेजर्स इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद द वेरिएशन ऑफ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस ये चाहे वैरी करते रहे, बट जो आउटपुट जो ये डीसी आ रही है वो कितना मेंटेन हो पा रही है, ये जो कांस्टेंट वोल्टेज है ये कितना मेंटेन हो रही है, दैट इज द वोल्टेज रेगुलेशन, राइट? तो हम लोग डीसी आउटपुट वोल्टेज विद फुल लोड आरएल के क्रॉस ये हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, ई नॉट आरएल अपॉन पाई आरएल प्लस आर। तो मैं चेक करा सकता हूँ, देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो कैलकुलेट किए थे यहाँ पर नोट कर रखा हूँ मैं, राइट? आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेशन चेक कर सकते हैं, उसको इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिए, राइट? अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से, इसको हमने इन्वर्स कर लिया और फिर एक्सपेंड कर दिया, तो ये हो गया हमारा E naught upon pi 1 minus small r upon capital R, this is binomial expansion, right? 1 plus x raised to power n is equal to 1 plus nx plus x naught। ये इक्वेशन आपको मालूम है बायनोमियल एक्सपेंशन का,
तो ये साइन जस्ट यहाँ पर आ जाता है। तो इसको फिर हमने अलग अलग टर्म लिख लिया मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिया, तो ई नॉट अपॉन पाई हो गया माइनस ई नॉट इंटू स्मॉल आर अपॉन पाई आर, राइट। तो ये हो गया डीसी आउटपुट वोल्टेज विद फुल लोड, डीसी और ये फुल लोड आउटपुट की वैल्यू ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है। दूसरा पार्ट कर लिया इसमें, बट आई डी सी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई, ये वैल्यू होती है। तो आई नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन ये पाई तो एडिट है, ई नॉट अपॉन आर एल प्लस आर एफ डी है, राइट। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम है, यानी कि ये लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है इस डायोड रेजिस्टेंस से, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम इस वाले स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ई नॉट अपॉन पाई आर एल, पाई इंटू आर एल, पाई इंटू आर वाले टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, राइट। तो आई मतलब आई डी सी की जो वैल्यू हुई दैट इज ई नॉट अपॉन पाई आर एल, राइट। तो ई नॉट अपॉन पाई आर एल ये फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ई नॉट अपॉन पाई आर एल ए आर, राइट। तो यहाँ पर उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा ई डी सी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखिए माइनस आई डी सी इंटू आर, राइट। तो नो लोड के लिए कितना हो गया आर एल इनफाइनाइट हो गया, राइट। तो आर एल इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं ई नॉट अपॉन पाई आर एल, आर एल की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया नो लोड पे ई नॉट अपॉन फाइव आ गया, जस्ट वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक वैल्यू ईडीसी नो लोड इक्वल टू ई नॉट अपॉन पाई और लोड के टर्म में इक्वेशन आ गई। तो ई नॉट अपॉन पाई हमने रख दिया, ये कौन से इक्वेशन में रख रहे हैं जो डेफिनेशन में लिख रखे हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नो लोड आउटपुट माइनस, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर चल गया है, तो माइनस फुल लोड आउटपुट अपॉन फुल लोड आउटपुट, जो हम लोगों ने फुल लोड आउटपुट कैलकुलेट किए हैं फुल लोड आउटपुट ये हमारा हुआ, राइट। और नो लोड आउटपुट ये हुआ, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में डेफिनेशन वाले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। तो इसको ये फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाना है ऊपर आई डी सी इंटू आर, तो आई डी सी इंटू आर एज इट इज लिखा है और डिनोमिनेटर का टर्म एज इट इज लिखा है, दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज रेगुलेशन विच इज इक्विवेलेंट टू, राइट, which is that this equation shows that half wave rectifier does very poor voltage regulation, यानी कि क्योंकि हमने शुरू में कह दिया कि उसमें जो AC component है वो बहुत ही ज्यादा है, right? DC component already वो less है वहां पर, right? तो voltage regulation जो होती है वो proper इसकी नहीं होती है, इसकी poor voltage regulation होती है half wave rectifier की। तो आप तो कई सारे फैक्टर से कह सकते हैं कि मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो बेटर नहीं है, क्या क्या आप रीजन बता सकते हैं, आप एक इफिशियंसी कह सकते हैं, दूसरी इफिशियंसी है। अब जनरल सी बात है कि हमने एक सिंगल सा डायोड है जो हमने इनपुट को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो तो हम केवल हाफ वेव रेक्टिफाई हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, है ना। तो जनरल कॉमन सेंस है कि ये समझना है कि ये तो जब हम हाफ को ही कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी तो ज्यादा होगी नहीं, वो 50% से कम होगी, है ना। तो 40.6% तो उसकी इफिशियंसी है ना। और उसका रिपल फैक्टर देखिए, डीसी कंपोनेंट उसमें ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी उसका बहुत ही कम है, राइट। तो ये सारे फैक्टर है जिसकी वजह से हम हाफ वेव रेक्टिफायर को जनरली यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर हम उसको पूरा के पूरा कन्वर्ट करने की कोशिश की, यानी कि हम दोनों मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को यूज कर पाए, तो
उसको रेक्टिफाई कर पाए, यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट कर पाए, तो नो डाउट वो डबल हो जाएगा, यानी कि 40.6 40.6, यानी कि 80%+ वो रेक्टिफाई कर सकता है, डीसी आउटपुट दे सकता है, नो डाउट उसी में वो एसी कंपोनेंट एग्जिस्ट होगा। तो चलो उसको और भी हम डिवाइसेस से उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं, जो डीसी कंपोनेंट है, जो उसमें रिपल फैक्टर्स है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस और यूज करके, राइट। तो हम अब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर।